नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है और हाल ही में एक जो हाथरस में घटना हुई, उस घटना को देखकर हमारा दिल मार्मिक उठा और उस दौरान हमने एक कविता लिखी। वो कविता हिंदी में है, हालांकि ये चैनल इंग्लिश के लिए है, हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। लेकिन इस घटना को देखकर हमारे दिल से जो आवाज़ आई, उस आवाज़ को हम सब आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और आप पूरे देश में इस मैसेज को फैलाएंगे और हो सके तो हमारी इस जर्नी में हमारी मदद करें और हमारे देश के लोगों की सोच बदलने में मदद करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ने में अच्छी थी, मेरे दोस्त मुझे पढ़ाकू बुलाया करती थी, मगर मेरी माँ मुझसे घर का काम कराया करती थी। कहती थी कि आखिर तुम्हें पढ़ लिख कर क्या पाना है बिटिया, तू तो लड़की जात, तुझे तो साजन के घर जाना। मुझे वो प्यार चाहिए जिसके लिए मैंने घर छोड़ा। मुझे भी वो हक चाहिए जिसके लिए मेरे माँ बाप ने मेरा सपना तोड़ा। मैं आप सब में अपनों को देखना चाहती हूँ, मुझे भी हक दीजिए, मैं इस घर की बेटी बनना चाहती हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं। मैं अपने माँ बाप को भूलना नहीं चाहती हूँ, मगर मैं अपने सास ससुर में अपने माँ बाप को देखना चाहती हूँ। सास बहू का रिश्ता है बदनाम, मैं इस बदनामी को दूर भगाना चाहती हूँ। मुझे प्यार दीजिए, मैं अपने सास से भी अपने दिल का हाल सुनाना चाहती हूँ। मुझे वक्त दीजिए, मैं आप सबको समझना चाहती हूँ। मेरी मदद कीजिए, मैं आप सबको अपना बनाना चाहती हूँ। मैं बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार देना चाहती हूँ। मेरी मदद कीजिए, मैं इस घर को घर नहीं मंदिर बनाना चाहती हूँ। मुझे हक दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं इस घर की बहू नहीं बेटी बनना चाहती हूँ।